उनके सामने होंगे उमर गुल। लॉफ्टेड लॉफ्टेड स्ट्रोक, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद मांगा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो इस तरह से यहां पे 50 रन मुकम्मल किए हैं उमर गुल ने। बेहतरीन बल्लेबाजी, गजब की बल्लेबाजी यहां पे उमर गुल की ओर से देखने को मिली है। ग्राउंड के चारों ओर उन्हें आज स्ट्रोक्स चढ़। कमेंट्री बॉक्स साइड से चले शॉर्ट पिच गेंद, कलर पहाड़ गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी उमर गुल की ओर से देखने को मिली है। गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन। फादला सबनान इस बेल उठाया है, ये देखिए गगन चुम्बी छक्का, डीप स्कैल के ऊपर से गेंद तैरती हुई फिजा में चली गई डीप स्कैल बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। क्या छक्का, क्या बड़ा छक्का। फिर सामने है उमर गुल, फिर से पोल कर दिया शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। निसार अहमद इस मौका अपने कार ने ले कमेंट्री बॉक्स से उमर गुल के लिए पोल कर दिया है। उस और कोई फील्डर तैनात नहीं, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक उमर गुल के बल्ले से, गेंद अंदर आती हुई छनछनाती चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बच्चे नहीं है, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, इस गेंद को खेला है मिड विकेट के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया है उमर गुल ने। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा है यहाँ से 5-6 ओवर। शोपियन सुपर टाइम को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और साथ दीजिए कि शोपियन सुपर टाइम। चले स्लोवर गेंद, गेंद को उठाया है कवर के ऊपर से गेंद जा रही है, हालांकि सईद समीर वहां पे पीछे आ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते हैं 2 रन मुकम्मल किए हैं दोनों खिलाड़ियों ने, समझ बूझ के इशारे रखे हुए हैं अंपायर के बगल से गुजरते हुए। बॉलर्स बैकग्राउंड, बेहतरीन स्ट्रोक उमर गुल के बल्ले से, गेंद जा रही है बाउंड्री की और 2 रन की मांग, लेकिन 1 रन से इतमान बख्शना होगा दोनों खिलाड़ियों को। पहुंच रही है यावर पोलार्ड, एक मरतबा फिर गेंदबाजी जारी रखे हुए अंपायर के बगल से गुजरते हुए। पोल कर दिया बल्लेबाज ने, गेंद चली गई है डीप स्क्वायर लेग की और उस और कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी जारी है उमर गुल और आदिल काचरों के बीच में। उमर गुल उनके साथ साथ बीच पायदान में मौजूद, इस गेंद पे कड़ा प्रहार किया है बल्लेबाज ने, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। रनों की बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिल्कुल रनों की बारिश देखने को मिल रही है। गेंद को पहुंचा दिया है एक मरतबा फिर दर्शक तीर्थों में 4 रनों के लिए। सर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद थी, पैड लाइन पे गेंद थी और निकालने में कामयाब हो गए हैं, डिफ्लेक्ट किया है इसको डीप से गुजरते हुए और यहाँ से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बारिश से डाले थी गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए। रनों की बारिश यहाँ पे उमर गुल और आदिल काचरों के बल्ले से देखने को मिल। उमर गुल उनके साथ साथ बीच पायदान में मौजूद, इस गेंद पे कड़ा प्रहार किया है बल्लेबाज ने, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। रनों की बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिल्कुल रनों की बारिश देखने को मिल रही है। गेंद को पहुंचा दिया है एक मरतबा फिर दर्शक तीर्थों में 4 रनों के लिए।